आफ्ताब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ लगी है। सबसे पहले अभी कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच जनता, आपने मेरे को इतना अच्छे वोट्स दिए, सपोर्ट किए, इसीलिए यह ट्रॉफी आपकी है। अच्छा, मिरासी घराने से हो आप, बहुत बड़ा नाम है मिरासी का, बट जिस तरह की स्थिति में आप आए थे राइजिंग में, वो एक बहुत मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन उसी के ऊपर उठा था कि पता नहीं, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन है, लड़का गाना ठीक गा पाएगा और नहीं गा पाएगा, बट आपने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं क्योंकि आज ये ट्रॉफी आपके हाथ में है। क्या कहना चाहो? मैं जी यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी मेरी बरादरी है, सभी बोलते हैं कि यार नहीं, घर में बैठे, मैं अपनी बरादरी को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जैसे यह ट्रॉफी मेरे को मिल गई, आपको भी मिलेगी। सो प्लीज़ टैलेंट को छुपा के मत रखिए, सो प्लीज़ घर से बाहर निकालिए, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके मेरे से बड़े भाई हैं या मेरे से छोटे भाई हैं, जो भी गाते हैं, उनको ज़रूर चांस दे दिए किसी ना किसी रियलिटी शो में आने का। जितनी उम्र आपकी है, उस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर जो भी हॉबी है उसके बारे में भी बातें करते हैं, बट आपके सर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, आपके पेरेंट्स ने भी, आपके पिता आपके साथ में थे, आप हमेशा उसी के बारे में बोलते थे, आपको हमने रोते हुए देखा, बट आज कहीं ना कहीं वो बोझ आपके सर से उतर गया है, अब कितने खुश और कितना हल्का महसूस कर रहे हैं? मेरे को लगता है कि जैसे हवा होती है, मैं हवा की तरह हो गया हूँ। वैसे पहले भी मैं हवा की तरह ही था क्योंकि मैं इतना मोटा नहीं हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया हूँ क्योंकि पहले तो थोड़ा बोझ था मेरे ऊपर कि अरे हमारे घर की हालात ठीक नहीं है, लेकिन अभी ठीक हो गया राइजिंग स्टार की वजह से। अच्छा, दिवाकर के साथ आपका कंपटीशन था, दिवाकर जिसे बहुत ज़्यादा ही पॉइंट्स मिलते थे, हाईएस्ट, यस, कितने हर बार तुतारी मिली है उनको और हाईएस्ट उनको वोट्स मिलते आए हैं, बट उनको आपने पछाड़ दिया है, कैसा लगा जब आपका नाम अनाउंस हुआ, दिवाकर को लोगों ने कम वोट दिए और आपको ज़्यादा वोट दिए? जैसे क्रिकेट में होता है कि एक बॉल में छक्का चाहिए होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो खेलने वाला होता है वो तो खुद नर्वस हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, एक बॉल पे छक्का चाहिए था और मैं नर्वस हो गया था और मेरे जजिस ने मेरे को हौसला दिया, फिर मैंने गाया और मेरी फिर दीवार उठी। अच्छा, जब आप गा रहे थे और दीवार उठने वाला था, आपको कुछ ही वोट्स बाकी थे उस टाइम पे, जब दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से लोगों को चेयरअप कर रहे थे और आपके लिए वोटों की अपील कर रहे थे, आपको भी नज़र आ रहा था, तब क्या चल रहा था भाई, क्या चल रहा है आज, मतलब जिनके गाने आप सुनते थे वो आपके लिए चेयरअप कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आपने हाथों से ट्रॉफी दी तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता मेरे को कितनी खुशी है। जाते जाते लहरे के व्यूअर्स को क्या कहोगे? थैंक यू सो मच, जैसे आपने मेरे को राइजिंग स्टार में प्यार किया, सपोर्ट की, वोट की, मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे को आगे भी वैसे ही करोगे। थैंक यू सो मच, हम चाहते हैं कि आगे जाके आपको ऐसे ही सक्सेस मिले और आप बहुत अच्छे अच्छे गाने गाएं। थैंक यू सो मच।